मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ कह तो रहे हैं लोग। लगता है कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। अरे ओ, चतुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन सुबह मुनिम जी चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बात के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है सरकार। हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए, लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है, ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महाल सपति जी, लोगों से बात करने के लिए हम है ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। अरे ओ आई ए, रुक, कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलो के लिए। झिपरी ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। आई आ रही है। ये ले। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयाँ खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साईं से? क्योंकि वो शिरडी छोड़कर चले गए। साईं शिरडी छोड़कर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। मुझसे परेशान हो गए थे।
उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साईं? हाँ। ए भाईजा, अब तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई, वो मेरा साईं, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ बला टली, शिरडी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे। साई रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साई की कृपा से ही दूर हुई थी, नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साईं की वजह से हुआ है? अब तो आपको विश्वास हो गया ना साईं पर? विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साई नहीं होता तो ये नौबती नहीं आती थी। तेरे साई ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई। अंधी? भाई ऐसे नहीं है साई तो। हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ? साई कृपा, साई की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाओ ना तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूं। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहां खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। Thank you.
तात्या की सौगंध दे दी आपने मुझे। एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हूँ? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे, और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहां से। हरिओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए हैं। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चिंता मत करो। साई साई आइए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है, आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन, स्वयं लेके आ गया औषधि, दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ अचानक? लेकिन उसके लिए मौशी, तो... मौशी, मौशी। गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं,
चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे घर से क्यों? मौशी, अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति, मुंह क्या देख रहे हो मेरा, अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान, चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे, रुक जाइए। अरे रुको, रुको ना भैया। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना अन्नपूर्णा का अपमान मत कर, देख लिया ना नतीजा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है, भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक की करनी सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया है, करम भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम। सामान ले गए इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे बच्चा, दिया था उसने मुझे बच्चा, जिस वजह से तुम दुखी हो बायजा माँ, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी माँ के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देव देवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साई। मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं साईं। और सच तो यही है कि आपके माध्यम से संसार के प्राणियों की सेवा करने में मुझे अनंत सुख मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.